इसकी बल्ब खराब। हाँ तो बल्ब लगाया तो है इसका, क्या है इसका? नहीं है, नहीं जलता है ना। चल बाहर निकाल दो एक को। बैठा कहाँ है वो? वो बैठा हुआ ऊपर। वो अकेला है? यहाँ पर हम जो जिस कैबिन के बाहर मौजूद हैं, ये पैथन या अजदहा सांप जो सबसे बड़ा माना जाता है, पाकिस्तान में पाया जाने वाला जो सबसे बड़ा सांप है, वो उसके कैबिन के बाहर मौजूद हैं। अब हम उसको बाहर भी लाएंगे और आपको मज़ीद दिखाते हैं। तो इसके बारे में बताता चलूँ कि ये नॉन पॉइजनस होता है, लेकिन इसकी जो है इसका जो जिसामत है इसकी इतनी बड़ी होती है, इसकी लेंथ जो है इस कदर कि इसकी दहशत की वजह से जो बाज़ बंदे हैं वो मर जाते हैं सिर्फ इसको देखने की वजह से। वैसे इसके अंदर जहर नहीं होता और पहाड़ी इलाकों में आमतौर पर पाया जाता है। इसकी जो खुराक है वो छोटे किस्म के खरगोश हो गए, जो रैट्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, वो उसको शिकार कर लेता है। और तकरीबन 20-30 ईयर्स जो है इसकी एज होती है, इस तरह रहता है। तो मज़ीद अब पूछते हैं इसे बाबू साहब से। बाबू साहब इसको बाहर लाइएगा, इसको एक को। ये अंदर सोया हुआ है, पीछे चलो बेटा, पीछे चलो, बाहर आ जा। तो व्यूअर्स अब आप इसको देख रहे हैं, पैथन अजदहे को, और अभी तक ये इसका मुंह बड़ा छोटा सा है, मुंह साइड से बड़ा कमज़ोर है, लेकिन उम्र कितनी इसकी? इसकी तकरीबन 12-13 साल का है, ये अभी बच्चा है। बच्चा, अच्छा अभी बच्चा कंसीडर होता है, है। जवान कितनी उम्र में होता है ये? जवान ये तकरीबन 20-25 साल में। ये नर है मादा है? ये नर है, वो मादा है, सिंध के इलाके। और आमतौर पर कहते हैं इसको गुस्सा नहीं आता, बड़ा ठंडे मिजाज का है, यानी कि इसको कुदरत ने ये जो डेल डोर है वो बड़ा ज़बरदस्त दिया, लेकिन गुस्सा नहीं इतना दिया। लेकिन इसकी वैसे बड़ी दहशत है इसकी जो चलने का है, यानी अभी इसके जवान होने में रहते हैं 10-12 साल रहते हैं। इसके पूरे अंदर जोड़ा है ना आपके पास, यहाँ पर इसकी मादी भी है जो मौजूद है। इसके अंदर सारी ज़िंदगी जहर नहीं आता? इसमें जहर नहीं होता, सारी ज़िंदगी नहीं आएगा? नहीं। तो जब इसके ऊपर कोई अटैक करता है तो फिर किस तरह बचाव करता है अपना? दूसरा सांप तो फौरन जहर फेंकता है ना अगले बंदे पे, ये क्या करता है? चेन बन जाता है और फिर रगड़ देता है एक दफा, इसको ये चीज़ दी है नेचर ने। व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि नेचर जो है, अगर हर किसी को जितने भी जानवर पैदा किए उनको अपना जो है अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर अता किया। इसको अगर जहर नहीं दिया गया, लेकिन इसका जिस्म इस तरह का बनाया गया कि ये अगले बंदे के इर्द गिर्द लपेट लेता है अपने आप को और उसको दम घुट जाता है, उसका उसकी पस्तियाँ तोड़ देता है, ऐसा ज़बरदस्त तरीके से उसके साथ लिपटता है। बड़ी तेज़ होगी इस वक्त उसकी स्पीड जब ये लिपटता है। अच्छा आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपके जो पीर थे सांपों के, गुग्गा पीर, उनको आखिर उनकी मौत सांप के काटने से हुई, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? हम वह जो हमारा गुग्गा पीर था ना, वह 5 वक्त नमाज पढ़ता था, उसको एक जुलेबी रंग का सांप कहा जाता है, वाइपर सांप है, वह बिल्कुल इतना छोटा है, इतना छोटा है, जिसको भट्टी साहब कारपेट वेपर है, उसको उसने ये डस्ट दिया और वो उनकी वफात हो गई। जब उसी ने नमाज पढ़ा ना, जब सजदा दिया ना, सजदे की टाइम पे उसी ने यहाँ काटा था उसको बैक साइड से, क्योंकि उनके कहा जाता है कि सामने आके कोई उनको काट नहीं सकता था, उसने यानी कि ऐसा दुश्मन था, बैक साइड से अटैक किया और वो जो है अपनी जान से चले गए। तो अब ये अच्छा, आपके गुग्गे पीर की भी बात हो गई, जो आपकी रिवायत है हमने उसके ऊपर भी बात की, इसके अंदर इन सांपों के बारे में भी बात की। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो है अब प्रोग्राम की एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, बहुत सी बातें हमने इसके अंदर की, पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके थे, आपको बताया कुछ जो हैं बिल्कुल हमारे अंदर तवाहुमात पाए जाते हैं सांपों के बारे में, जबकि उस तरह उनकी हकीकत नहीं है। इसकी एज के बारे में कि एज के बाद मुख्तलिफ इंसानों की शक्ल में या किसी रूप में ज़ाहिर हो जाता है, ऐसा भी कतर नहीं होता। इसकी एज तकरीबन जो है वो एवरेज 40-45, 30-40 इस तरह इनकी होती है, जो डिफरेंट इनकी जो टाइप्स हैं स्नैक्स की, इससे ज़्यादा इनकी उम्र कतर नहीं होती और ये किसी और सूरत में भी अपने आप को कन्वर्ट नहीं करते। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने बात की, इनके सांप के जो पीर मशहूर थे गुग्गा पीर, अब मुख्तलिफ़ रवायात हैं उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है, गुग्गा पीर हिंदू जो हैं वो इनको हिंदू कंसीडर करते हैं, जो मुसलमान हैं वो उनको मुसलमान कंसीडर करते हैं, और इसे यही चीज़ उनके अंदर मशहूर थी। और हमारे इंडिया का रीजन है जो पाकिस्तान, इस ये सारा रीजन सब कॉन्टीनेंट जो है इसके अंदर उन्हीं को माना जाता है सांपों का पीर। तो एक बात जो थी सांप के बारे में
जो हमारी रिच लिटरेचर हमारे इस एरिए का है पंजाबी का, उसके अंदर जो हमारे बुज़ुर्ग शोहरा थे उन्होंने ये कहा कि सप्पा दे पुत मित्र ना हुंदे चुलियाँ दूध पवाइए। तो हर सूरत में इसकी फितरत में है डस्ट लेना। हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे सांप पाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में, तो बाबू साहब जो हैं इन सांपों को तो काबू कर लेते हैं। यकीनन हमें अपनी सोसाइटी में ऐसे बाबू साहिबों की भी ज़रूरत है जो कि इंसानों की शक्ल में पाए जाने वाले सांपों को भी कंट्रोल करना, उनके ऊपर काबू पाना सीख सकें, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो उनसे महफूज रह सकें। तो हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारा टोल फ्री नंबर है 08005056। ईमेल करते रहिएगा, आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या पसंद करते हैं, आपकी क्या राय है और आप किस तरह इस प्रोग्राम के अंदर मज़ीद चीज़ें जो हैं उनका इजाफा करवाना चाहते हैं, तो उस बारे में आप बताते रहिएगा। ईमेल एड्रेस है savingwildlife@sohnidharti.tv। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट रज़ा बशीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगेबा।